हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गैंग्लियन सिस्ट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गैंग्लियन सिस्ट क्या होता है? तो ये राउंड फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होते हैं जो आपके टेंडन या फिर जॉइंट में प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर ये आपके रिस्ट जॉइंट के पास में हो सकते हैं या फिर आपके हाथों में हो सकता है। इसके अलावा ये पैरों में भी हो सकता है, जैसे कि एंकल जॉइंट के पास में या फिर आपके फुट में हो सकता है। गैंग्लियन सिस्ट एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। ये साइज़ में वेरी करता है, हो सकता है कि ये बहुत ही छोटा हो, इसके अलावा इसका साइज़ बढ़ भी सकता है तो ये लार्ज भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गैंग्लियन सिस्ट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ऐसा देखा जाता है कि आपको विजिबल लंप दिखाई दे सकता है, आपको मास जैसा कुछ फील होगा जो आपके स्किन के अंडर में हो सकता है, और ज़्यादातर ये कंडीशन आपको रिस्ट जॉइंट या फिर एंकल जॉइंट के पास हो सकता है। अगर किसी पर्सन को फुट में सिस्ट हुआ है तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उन्हें चलते टाइम पेन फील हो सकता है, इसके अलावा उन्हें डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सिस्ट के वजह से लोगों को लॉस ऑफ मोबिलिटी की कंप्लेन हो जाती है, नमनेस हो सकता है, उन्हें पेन फील हो सकता है, कई बार ऐसे लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन भी फील होता है, और इसका साइज़ बढ़ सकता है अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो। अब मैं आपको गैंग्लियन सिस्ट होने का कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये सिस्ट होने का। तो अब तक कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंजरी, अगर आपको कोई चोट लगी थी तो उसके बाद आपको ये कंडीशन हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको कोई स्किन में इरीटेशन हो रही है, जॉइंट के पास में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन या फिर इरीटेशन हुआ था, तो उसके वजह से भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। गैंग्लियन सिस्ट उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो ओवर यूज़ करते हैं अपने जॉइंट का, जैसे कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका रिस्ट जॉइंट ज़्यादा यूज़ होता हो या फिर आपके एंकल जॉइंट ज़्यादा यूज़ होते हो, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी एज 15 to 40 है तो आपको ये सिस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये कंडीशन नहीं होती, और ओल्ड एज में भी ये कंडीशन नहीं होती है। इसके अलावा जेंडर एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। फीमेल्स को ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। इसके अलावा गैंग्लियन सिस्ट उन लोगों में कॉमन है जिन्हें आर्थराइटिस जैसी कंडीशन होती है, जिन्हें कोई भी जॉइंट से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन जैसे कि आप रूटा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रशटॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कैल्केरिया फ्लोर 30 मेडिसिन और बेंजोइक एसिड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिसिन को आपको 3-4 ड्रॉप डायरेक्ट अपने टंग में गिराना होगा सुबह शाम। कम से कम ये मेडिसिन आपको 3 से 4 महीना यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था गैंग्लियन सिस्ट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, कौन से लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।